अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माशाल्लाह गुड सेल। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। और आज जो है पहाड़ों की वीडियो बताने वाला हूँ, डायरी के जो फीमेल्स आते डायरी पर्पस के लिए, दूध के लिए, तो वो भी बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले यहाँ का आपको लोकेशन बता दूँ, थोड़ी सी धूप है इसलिए थोड़ा शेड आ रहा हूँ फेस पे धूप का, तो प्लीज़ इग्नोर करें। और ये जो है तुपगुड़ा मार्केट, सबसे पहले मैं बता दूँ, मेरे प्रीवियस वीडियो में एक साहब कमेंट कर रहे थे कि भाई खरीब का अगर कोई पाड़े का बाज़ार है तो बताओ, तो उनके लिए ख़ास ये बाज़ार मेरे को बहुत अच्छा लगा। अपने हैदराबाद से सिर्फ 34 मिनट्स का रास्ता है, 34 to 35 मिनट्स का रास्ता है, और वहाँ से अगर किलोमीटर्स में देख रहे हैं आप तो 18 किलोमीटर्स आता। आप नॉर्मल बाइक पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है। जैसा कि आप पहाड़ी शरीफ आते हैदराबाद से चार मीनार से पहाड़ी शरीफ रूट, वहाँ से शमशाबाद, तो उससे थोड़ा आगे आने के बाद तुपगुड़ा है। और मैं बता दूँ, ये एवरी मंडे का बाज़ार है पीर के दिन का, जहाँ पे आपको बड़े पाड़े मिलते हैं डायरी के लिए, गायें मिलते हैं यहाँ पे, और इस्पेशली छोटे बच्चे अगर किसी को चाहिए पालने के लिए तो छोटे बच्चे भी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलते हैं। मेरे लास्ट वीडियोस में भी बताया था, शुरू में ज़्यादा आपको बोल के वीडियो बड़ी करना नहीं चाहूँगा, डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले अगर कोई भाई नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ से जो है बाज़ार के वीडियोज़ आएंगे, और अभी 1 महीना 7 दिन कुछ बकरीद के लिए है, तो आपको जो है 1 महीना पहले से मेरे पास बकरीद का जानवर आना स्टार्ट हो जाता, जो बकरे रहते बड़े साइज़ के ख़ास कुर्बानी के लिए, तो 1 महीना पहले से मेरे पास शुरू होगा जानवर ख़ास बकरीद का। तो एक से एक पाड़े हैं यहाँ पे, वो बताने की कोशिश करूँगा। आइए चलते हैं, स्टार्ट करो। तो आज की जो हमारी वीड़ियो की शुरुआत करते हैं ये पहाड़ों से करेंगे, और पूरी डिटेल में पूछ लिया, टोटल 2 पहाड़े हैं ये और 4 दांत पे है सिर्फ। हाइट स्ट्रक्चर देखें आप, थोड़ा करीब आके बताइए, और चीज़ अच्छी है, उंगल ब्रीड है ये। कलर पैच देखें इसका, कलर अच्छा है, वाइट बहुत तेज़ दिख रहा है, मारेगा तो नहीं। और 1,20,000 रुपये इसका आस्किंग प्राइस है जोड़ी का। एक बार ये साइड भी बता दीजिए पाड़े की, तो प्राइजेज जो है यहाँ पे नेगोशिएबल होते हैं। अन्ना रोंडू की 1,20,000 है, फाइनल रेट दोनों का क्या होता? फाइनल पूछो। अच्छा, पूछे तो रेट होता, समझो कम होता। आप क्या टाइम तक रहते हैं सुबह में, कब से कब तक रहते हैं? अच्छा, सुबह 7 बजे से 12-1 बजे तक का बाज़ार रहता है, और 1 बजे तक पूरा ख़त्म हो जाता। अभी तकरीबन माल छट गया है यहाँ पे, फिर भी थोड़े आपको जानवर बताने की कोशिश करूँगा, तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो भाई जो है संतोष नगर से आए हुए हैं, संतोष नगर का लोकेशन है, यहाँ पे भाई मिले, और भी डिटेल लेते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शेख मुश्तबा। मुश्तबा भाई, यहाँ पे चिट्ठी के कितने हैं पैसे? एक बैल की हमारे तो 2,000 रुपए पड़े भाई। अच्छा, 2,000 रुपए एक बैल, एक केसी। जी जी, और ये कितने दांत पे है बैल? 4 दांत पे। और उधर वाला? वो भी 4 पे, 4 के आसपास। अच्छा, और अपना यहाँ से ले जाने का खर्चा कितना आएगा, कुछ एक अंदाजा बताइए लोगों को, पब्लिक को मालूम हो। यहाँ से लेके जाने का दोनों का 2,000 रुपए खर्चा आ रहा, समझो एक 2 जानवर का, यानी 1,000 रुपए खर्चा रहेगा आपको, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। और 2,000 रुपए जो है चिट्ठी के, टोटल 4,000 रुपए खर्चा, समझो एक जानवर पे 3,000 रुपए खर्चा आता, समझो ऐसा है। तो अब आप ये अपने पर्पस के लिए ले जा रहे हैं, फिर सेल करना है अपने जानवर सेल के लिए? क्या बोल रहे हैं इनके प्राइजेस, कुछ डिसाइड करें आप? 85 बोल रहे हैं। अच्छा, दोनों के 85। अगर अभी ले लिए तो 85 है। जी अभी रेडी से 85। मैं यहाँ के प्राइजेस देखा, 1,20,000-90,000 ऐसी प्राइजेस चल रहे हैं, आप हिसाब का रेट रखे, हो सकता है परचेजिंग आपकी अच्छी हुई माशाल्लाह। और आपका एक बार मोबाइल नंबर बोल दीजिए। 7981828990। लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ है अपना? संतोष नगर मंसूर मस्जिद।
अच्छा वहाँ आके कॉल करें तो आप रिसीव कर लेंगे समझो? तो भाई को कांटेक्ट करें, सेल के लिए अवेलेबल है, चार दांत के है और संतोष नगर भाई का लोकेशन रहेगा। हाइट स्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है इसका, उंगल पाड़े हैं ना, उंगल के ना बुल्स। तो अभी आप क्या टाइम पे आए थे यहाँ पे? अच्छा 7 बजे से यहाँ है तो अभी 10-11 बजे तक यही था। हाँ दो लिए समझो। दो ले लिए। हाँ सुबह से क्या रेट ज्यादा था? सुबह से रेट तो वही था। अच्छा नहीं हो सकता जाने के टाइम पे थोड़ा हिसाब के रेट में देखे जाते, ऐसा कुछ है क्या? सुबह से वही रेट, वो सुबह में आओ या फिर आप 10 बजे आओ वही रेट रहता समझो। अच्छा अपने को पसंद आया था ये जानवर तो इंतजार में थे, कुछ कम होता कुछ कम नहीं होता। अच्छा आखिर को ले लिए समझो। नहीं बहुत अच्छे रेट में लिया, आप रेट भी बहुत अच्छा रखे 85 दोनों का, और नेगोशिएबल प्राइस है ना 85 में भी स्लाइडली है। अच्छा स्लाइडली नेगोशिएबल हो जाएगा समझो। तो जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें भाई को, जल्दी सेल होने वाले जानवर है ये तो। माशाल्लाह बहुत एग्रेसिव है ये बच्चा, जो दो दांत पे पाड़ा है 36 बोल रहे हैं, 32 में पूछे बोल रहे हैं, कोई भी नहीं पूछे ऐसे बोलने के रहते, बोल के महंगे लेना बेचना रहता जानवर। एम रेट चपतन हो ना, रेट रेट क्या बोले इसका? 45 लास्ट में 36। हाँ हाँ हम 25 का ऑफर दिए ले लेंगे बोल के। झालर नखर अच्छी है इसकी, एकदम बड़े साइज में उंगल पाड़े है, और ये भी देखे आप भाई क्या रेट बोल रहे हैं इसका? 46,000 इसका, उसका 47 बोल रहा है, ये 47 रहेगा, और ये इसको 46 बोल रहा है। अच्छा 46 के हिसाब में रहेगा समझो, दो दांत चार दांत पे है ये, यानी 5 साल एज, 5 साल के एज के, 5 साल 6 दांत समझो, 6 दांत। हाँ अच्छे है जानवर बहुत, ये 3-4 पाड़े है, ये रेडी है ना, ये रेडी है ना आदाब, या अभी और पाड़े है आपके पास? आपके पास आते वो अभी 20-30 पाड़े, 20-30 है अभी वहाँ पे, तो अगर कोई आए तो वहाँ बताते। हाँ वहाँ को भी बता। आपका मोबाइल नंबर बोलिए। 9446 9446। कहाँ है ना आपका लोकेशन, कहाँ है आपका लोकेशन? यहाँ है हयात नगर, करीब है यहाँ से बहुत। अच्छा अच्छा अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है डायरेक्टली अन्ना को कॉल करें, रेडी अन्ना को, और यहाँ पे आ रहे तो जानवर भी अच्छे से अच्छे दिलाते भी अन्ना, और इनके विलेज में भी है बोल के बता रहे। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन पाड़ा है, सबसे बड़ा पाड़ा, और 55 आस्किंग प्राइस कोट कर रहे इसका, गला पट्टी झालर ज़बरदस्त है। वाह नखड़ देखें आप इसकी, प्योर उंगल बुल, आप देखें और एक पाड़ा है गला पट्टी झालर इसकी, बहुत खूबसूरत है। के मंडू ना ना रेट लक्ष्य इरवाई 1,20,000 दोनों के, ये एक है इधर से भी बता दूं। ये भी उंगल का पाड़ा है ब्रीड में, उंगल की मैं खासियत बता दूं, लाइट ब्लैक शेड आता, और अन्ना एनी समाचार आलो ना इधर रोंडू, दो दांत पे है, चीज बहुत जबरदस्त है। तो जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बोला, यहाँ पे आपको पालने के बच्चे भी मिलते हैं, और बड़ी गाय बच्चा आप ले सकते हैं पालने के लिए, उसके अलावा जर्सी पाड़े के बच्चे होना है, गाय के बच्चे होना है जर्सी के, ये पूरे पालने के है, चीज़ अच्छी है, और तकरीबन पाड़े आते हैं यहाँ पे सेल के लिए। खूबसूरती देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खूबसूरती है इसकी, बड़ी मुश्किल से आपको 2,000-2,500 में अच्छे से अच्छे पाड़े मिल जाते। तो कोई भाई पालने के लिए पाड़े के शौकीन है
वो लोग यहाँ पे आए और डेयरी के लिए बकरी ये बड़े जो है काउज भी मिलते हैं यहाँ पे आपको, आपको वो भी बताऊंगा आगे दूध के लिए। आइए और आगे चलते हैं। आप ये बड़े साइज के पाड़े देखें, गिर पाड़े हैं, जैसे कि मैं बोला अच्छी क्वालिटी में जानवर आते पालने के लिए। इसके सर का स्ट्रक्चर देखें, प्योर गिर है और सानियावाल है। आप कमेंट कर दें दोनों में से जो आपको लग रहे। तो ये जो है 25,000 रुपये से गए, यानी 50,000 जोड़ी। उसके अलावा जर्सी में एक बच्चा भी है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, फुल गुलाबी आके। ये आपको 3,500-4,000 में यहाँ पे मिल जाते बच्चे। ये भी देखें आप, गिर पाड़े हैं, ये सोल्ड आउट हो गए 21,000 रुपये से। कलर अच्छा है माशाल्लाह, इन लोगों का पालने के काबिल के बच्चे, बेहतरीन बच्चे हैं माशाल्लाह। 21,000 रुपये से ईच वन सेल हुए सो। जानवर जो है बगैर मुर्गी के बहुत तेज हो जाता, छूट जाता, तो मुर्गी भी बनना जरूरी है जानवर को। थोड़ा तो सही नाक पे आती मुर्गी, वो पूरी बहुत तेज है बच्चा। यहाँ से आपको दूध बौली तक के ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा मिल जाते, बड़े गाड़ियाँ रहते जो दूध बौली तक जाते। और उसके अलावा प्राइवेट गाड़ियाँ भी चाहिए तो ऑलरेडी यहाँ पे लगे हुए रहते, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये दो दो जानवर आप आराम से लेके जा सकते हैं अंदर। ये तो माशाल्लाह बहुत बड़े साइज़ का है और बहुत तेज़ भी है। तो जैसा कि आप देखें, बड़े पहाड़ों में तुपगुड़े बाज़ार का जो है एक ओवरव्यू था प्राइजेज में, और आप अगर विज़िट करेंगे तो प्राइजेज और रीज़नेबल होते और कम होते। और सुबह की टाइमिंग 7 बजे से आप यहाँ पे रहें, 12-1 बजे तक पूरा ख़त्म हो जाता। अभी 12 बजे का टाइम है, तकरीबन माल ख़त्म हो गया। तो जितना हो सके आप सुबह में जल्दी आने की कोशिश करें। हैदराबाद से फिर सिर्फ 34-35 मिनट्स का रास्ता है जो चार मीनार से आ रहे, उसके आगे जो है और ज़्यादा टाइम लगेगा। आप लोकेशन डाल लें तुपगुड़े का और यहाँ तक आप आराम से पहुँच जा सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है मेरी, यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इसी तरह की डेली वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। अल्लाह हाफिज़।